हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। सो मैं स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग। तो एक्चुअली आज है ट्यूसडे एंड कल है वेडनेसडे। तो कल मुझे जाना है दिल्ली फॉर सम इवेंट। यूजुअली मैं यूट्यूब वाले इवेंट में बहुत जाती हूँ, बट इस बार मामा अर्थ के इवेंट में मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ एंड आई एम एक्साइटेड टू मीट अदर क्रिएटर्स एज वेल। तो मैं अकेली नहीं जा रही हूँ, भोपाल से दो क्रिएटर्स जा रहे हैं, एक तो मैं जा रही हूँ और साथ में एक और है क्रिएटर जिसको मैं आपसे कल मिलवाऊंगी एयरपोर्ट पे डायरेक्टली। मैंने उसको जब मेरे पास मेल आया था तो मैंने उसको पिंग करके पूछा था कि आर यू गोइंग देयर और नॉट, बिकॉज मुझे अकेले जाने में थोड़ा सा ऑड लग रहा था। रीजन बिहाइंड दैट इज, पता है, दो ढाई साल से कहीं बाहर नहीं निकले ना, अकेले जाना थोड़ा सा मैं हेजिटेट हो रही थी, सेल्फ डाउट आ रहा था, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था मेरे को। देन जब मुझे आई गॉट टू नो दैट कि समवन इज जॉइनिंग मी देयर, कोई साथ में मेरे है, तो फिर मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आ गया और बोला चलो चलते हैं यार। तो मैं जा रही हूँ। पहले मैं थोड़ा सा डाइसी भी हो रही थी कि जाऊँगी नहीं जाऊँ, बिकॉज जस्ट 15 डेज बाद मेरी यहाँ शादी है, एक दिन की बात है तो मैं आ ही जाऊँगी उसके नेक्स्ट डे। तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। अब दूसरी चीज़ ये है कि मुझे समझ में नहीं, अब क्योंकि ठंड का वेदर है तो मुझे ड्रेस समझ में नहीं आ रही है कि मुझे पहनना क्या है। तो मैं डिसाइड कर रही हूँ कि मैं कुछ जीन्स वीन्स पहनूंगी, ड्रेस वगैरह नहीं पहनने वाली हूँ। भोपाल में ठंड स्टार्ट हो गई तो आई एम श्योर दिल्ली में भी ठंड स्टार्ट हो गई होगी। तो आज मैंने अपनी एक जैकेट निकाली हुई है जो कि मैंने खरीदी थी कौन से ईयर में मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। हम लोग अमृतसर गए थे, वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ठंड थी। मेरे पास इतनी तड़कते हुए ठंड के लिए, मतलब ऑब्वियसली 1 डिग्री 2 डिग्री टेम्परेचर, हम लोग मुंबई में रह रहे हैं और भोपाल में भी आते भी हैं तो हम कभी भी, मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर जो मैंने, मिनिमम टेम्परेचर जो फेस किया है भोपाल का, वो 15 डिग्रीज है, उससे कम वाला टेम्परेचर फेस ही नहीं किया था बहुत टाइम से। तो मेरे पास इस तरीके का कोई जैकेट ही नहीं था जो इतनी ठंड झेल पाए। तो जब हम अमृतसर गए थे, ऑल दो मैं 2-3 लेयर में थी, बट स्टिल मुझे बहुत, बाप रे, बहुत ठंड हो गई थी। तो मार्च में ना सेल लगा हुआ था, मार्च या अप्रैल में सेल लगा हुआ था मुंबई में ज़ारा में, तो वहाँ पर एक जैकेट पसंद आई थी विक्की को, मैंने आई थिंक ब्लॉग भी किया था ये, तब हमने वो जैकेट परचेस करी थी। तब से लेकर के आज तक वो जैकेट को पहना ही नहीं है, वो एज इट इज़ उस बैग में, जो ज़ारा का बैग होता है ना, उसमें ही रखी हुई थी बेड बॉक्स में। एल साइज़ की खरीदी थी ये सोच करके कि अगर मैं नहीं पहनूंगी तो वो मेरी मम्मी पहन लेंगी। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ, लुक एट दिस, दिस इज़ द जैकेट विच आई गॉट, और ये विच आई गॉट एंड ये इस तरीके के बैग में, मतलब उसके बैग फट गया है, ये देखो उसकी हालत कैसी हो गई है, और ये एज इट इज़ रखी हुई है। तो इसका ना मैंने अभी ये जो ये अटैच्ड अलग से था ये निकाल दिया है, है क्वालिटी एंड सब कुछ इसको बहुत अच्छी, उसमें कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसी की ऐसी रखी हुई थी, ये मैंने सेल में खरीदी थी। तो एक्चुअल में जो इसका प्राइस था ना वो 5990 थी और मैंने जो खरीदी थी वो 2990, तो मतलब 6000 की थी, मैं 3 में खरीदी थी, ये समझ के चलो। ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ बर्फ गिर रही है, इतनी ठंड पड़ रही है, उस हिसाब की वो जैकेट है। तो लेट्स सी, अदरवाइज मैं कुछ सिंपल सा पहन के जाऊंगी, बिकॉज और कुछ मुझे सन में भी नहीं आ रहा है मैं क्या पहनूं, बट मैं अपना कंफर्ट भी नहीं लूज़ करना चाह रही हूं, तो वैसा है। और कल हम लोग वहीं रुकने वाले हैं, ऑल दो जो इवेंट है वो 3 बजे से लेकर 6 बजे तक है, लेकिन उसके बाद फिर हम वहीं स्टे करेंगे एंड उसके नेक्स्ट डे वापस से हमारी रिटर्न की फ्लाइट है। यस, आई एम एक्साइटेड। आई एम थिंकिंग ऑफ वेयरिंग दिस, ये पहनने का, ये मैं पहनने का सोच रही हूँ एंड ये मेरा 6-7 साल पुराना ब्लेजर है, लुक एट दिस, वेरमोड़ा से मैंने परचेज किया था इसको। रख लेती हूँ। तो कल सुबह निकलने वाली हूँ मैं, 8:40 की मेरी फ्लाइट है, तो मुझे ऑब्वियसली 6-6:30 बजे तक मैं एयरपोर्ट पहुँच जाऊँगी और मेरे फादर इन लॉ भी जा रहे हैं तो उनको ड्रॉप करते हुए हम लोग निकलेंगे, ऐसा करने वाली हूँ सुबह। तो यस, अब मैं, मेरी मदर इन लॉ और टीनू, हम तीनों जाने वाले हैं मेरे घर पर मम्मी से मिलने के लिए। तो बस अब हम वहीं निकल रहे हैं और आ करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो हम लोग घर वर से आ गए थे, अभी हमारा खाना वाना सब कुछ हो गया है, तो मैं लेकर के जा रही हूँ, मुझे ये भी दे दो अगर इन केस मुझे ज़्यादा ठस के आते हैं। तो लास्ट ईयर में जब मैं यहाँ पे थी, आपने शायद मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, मैं बोलती थी कि मुझे कफिंग होती है, सेम अगेन जैसे ये वेदर चेंज हुआ है, थोड़ा ठंडक आना स्टार्ट हुई है, तो मुझे अभी भी सेम इशू हो रहा है, दिन भर बिल्कुल नहीं चलती है लेकिन जब ठंडा वेदर हो जाता है, शाम होती है, तो मुझे हल्की हल्की सी कफ आता है। तो मे बी बिकॉज अभी
जो भी हो रहा हो, हमने डॉक्टर वगैरह को लास्ट ईयर तो हमने मतलब चेस्ट के एक्सरे और पता नहीं क्या क्या सिटी स्कैन विटी स्कैन सब करवा लिया था मैंने क्योंकि मैं इतना डर गई थी, मेरे को पता नहीं क्यों हो रहा है यार, उस टाइम कोविड भी था ना लास्ट वाले उसमें, तो मैंने सब कुछ सारे टेस्ट करवा लिए थे। डॉक्टर ने बताया कुछ नहीं है, सिर्फ एलर्जी ट्रिगर हो रही है आपकी, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं आपको, क्योंकि अभी सिटी चेंज करूँगी वहाँ दिल्ली में, पता नहीं कैसा क्या होने वाला है। तो मैं रख रही हूँ अपनी, एक तो भी जाओ एक दिन के लिए भी जा रहे हो, अपनी मेडिसिन हमेशा अपने पास रखो। तो ये मेरा हेडेक का है, मुझे नहीं या किसी को भी ज़रूरत हो तो एटलीस्ट आप हेल्प भी कर सको, और ये दूसरा इन केस अगर मुझे सर्दी जुकाम या फीवरिश तो वैसे इससे भी हो जाता है ना ये डायनापार से। ठीक है, ये रख रही हूँ एंड साथ में अपनी सॉली, हम सब की हमदर्दी सॉली। फायदा मतलब ये नुकसान कुछ नहीं करती ना, इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि उसको उससे आवाज सुरीली इसीलिए हुई है मेरी, बहुत सुरीली पहले मेरी बहुत हार्श आवाज थी, इसलिए मैं इतनी पोलाइट होती जा रही हूँ दिन पे दिन। जिसने बोला है ना सुरीली आवाज इनकी और बहुत अच्छा गाना गाती हैं, ट्रस्ट मी, चलो मैं तो फटाबाज हुई। देखो ये कैसे हार्श थे, ये ऐसे बोलता है ना, पहले मैं भी ऐसी ऐसी बोलती थी, बट अब मैं देखो कितने प्यारे तरीके से बोलती हूँ, आवाज अच्छी होगी, तो उसका क्रेडिट ज्यादा है इसको सॉरी को, क्योंकि मैं खाती मतलब ये साल भर के 15 डब्बे खत्म ऐसे ही खा जाती हूँ सॉलिन। ठीक है, उसमें मुलेटी है ना तो इसलिए मेरी आवाज अच्छी होगी उससे। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, मेरा जो वॉलेट है मैंने दिखाया था ना आप लोगों को, ये वाला वॉलेट मैं यूज करती हूँ, तो अभी मैं लेके जा रही हूँ ये वॉलेट, क्योंकि कोई लॉजिक ही नहीं बनता कि बनेगा ही नहीं, इसके अंदर बन भी जाएगा तो फिर मेरा कैमरा नहीं आ पाएगा मेरे पास, क्योंकि सनग्लासेस भी है, या तो मैं बैग बड़ा करूं है ना, या तो मुझे बैग बड़ा करना पड़ेगा, या फिर ये वॉलेट ही चेंज करती हूँ क्योंकि मेरा कैमरा भी इसी में आएगा। कहाँ है बड़ा, आप दिलवाते भी हो, ए फिर से बोल क्या बोली, आप दिलवाते भी हो, ए देखो ये देखो हिंसा हिंसा ये देखो ये हिंसा। और ये देखो 50 वॉलेट पड़ा हुआ है, अरे उनको फैलाया तो वापस रखना, वैसे वो और छोटा है, वो अपन ताज लेके जाओगे ना मुझे, कब अभी लेके जाने वाले ना अगले सैटरडे, तब यूज करूंगी इसको। अरे इतने बैग पड़े हैं, बोलते बैग नहीं है मेरे पास, ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा, बट ये है ना ये नहीं लेके जा सकती मैं, वो ले तो आप चलो मेरे साथ उठाने के लिए, बस तो फिर हम नहीं जा रहे इसलिए बोल रहे हैं ये लेके जा, अपना ज्ञान अपने पास रखिए क्योंकि छुट्टे नहीं है मेरे पास। ओके सो आई एम डन विथ ऑल माई पैकिंग फॉर नाउ, अब एक पीस वगैरह चेंज करूँगी, नेल पेंट चेंज करती हूँ, और मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मास्क वगैरह लगा लेते हैं, तो लेट्स डू दैट। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सो मैं बिल्कुल भागते दौड़ते मैंने सोचा था बिल्कुल आराम आराम से ब्लॉग करूँगी, उठूँगी ऐसे कैमरा रखते ना सिनेमेटिक शॉट्स देते मॉर्निंग के, वो सब मैं करूँगी ऐसे मैंने सोचा था, अच्छे से ब्लॉग करूँगी, बट देन हमें ऊपर से आवाज आई, एक तो हमको फोन विक्की ने अलार्म भरा था, हमको निकलना था, कितने बजे निकलना था अपन को, एक्चुअली मेरी फ्लाइट है 8:40 पे और मेरे फादर इन लॉ की फ्लाइट है, फ्लाइट बोल रही हूँ उनकी ट्रेन है 6:35 की, तो विक्की ने 6 बजे का अलार्म भरा था। नाउ इमेजिन, मैंने उसको बोला था कि मैं 5:30 पे उठ जाएंगे आराम से, क्योंकि भाई आधा घंटा लगेगा, 6 बजे निकलना पड़ेगा घर से, तो आधा घंटा तो लगेगा ही लगेगा। तो उसके बाद टीनू का कॉल आया मेरे पास 5:25 पे, टीनू का कॉल आया, मैं फटाक से उठी, उठने में थोड़ा मुझे लगता है 5 से 10 मिनट तो मुझे सेंसेस में होश आने में लगता है, जब जल्दी में होती हूँ तब, अदरवाइज तो मुझे आधा घंटा लगता है होश आने में। तो 10 मिनट में बैठी बैठी और थोड़ा यू नो वो हुआ, फिर उसके बाद तैयार होना, ब्रश व्रश करना स्टार्ट किया एंड ऑल दैट, तो अभी तक मैंने शार नहीं लिया है, तो मैं शार लूंगी वहाँ पहुँचने के बाद होटल में ही, और मेरे साथ आ रही है शालिनी, शी इज ऑल्सो यूट्यूबर फ्रॉम भोपाल ओनली। तो यस अब हम पहुँच रहे हैं एयरपोर्ट, life is a winding road, no telling where it goes, driving through days and nights, won't stop for traffic lights. अभी है तो मैं पहुंच गई हूँ एयरपोर्ट, अब हम वेट कर रहे हैं शालिनी का, मैं उसको कॉल करती हूँ और पूछती हूँ भाई कहाँ है, साथ में ही जाते हैं अंदर और क्या।
खा रही हो? खा चुकी हूँ मैं एक्चुअली, मैंने थोड़ा सा, मुझसे सुबह सुबह खिलाता नहीं है, तो मैंने गुलाब जामुन खा लिया. मतलब इस बार तो मैंने इस लेवल के गुलाब जामुन खाए, मेरी मदर इन लॉ ने बनाए, मेरी मम्मी ने बनाए. तो मदर इन लॉ का एक लॉट तो हम सटका गए सब. विक्की ने नहीं खाया, टीनू को भी बहुत पसंद है, मेरे को भी बहुत पसंद है, तो हमने बहुत गुलाब जामुन खाए. और अभी दूसरा लॉट भी उन्होंने बनाया है, तो हम वो भी खा रहे हैं. यह है शालिनी मंडल. हाय एवरीवन, अभी हम बैग लेने जा रहे हैं. मेरा बैग लेने जा रहे हैं. हम लोग पहुंच गए हैं दिल्ली. और भाई इसको चेक इन नहीं करना था, बट इसने फिर भी चेक इन कर लिया है. कि मैं ओवर पैक करूँ, ठीक है, मैं बहुत ज्यादा सामान लेके चल रही हूँ. ये मुझसे बोलती, मैं तो स्टीम आई, मैं कल से पूछ रही तुम क्या पहनने वाली हो. स्ट्रेटनर एवरीथिंग इज स्ट्रेटनर तो मैं भी लेके आई हूँ. क्या चाहिए आपको बताओ? यू ओनली आयरन आयरन लेके आ रही. मैंने कहा अच्छा, फिर मुझे अब कुछ रखने की जरूरत नहीं है, ये ला रही है सब कुछ. और आ गई हूँ मैं रूम के अंदर. तो एक्चुअली मुझे लगा था कि शायद दो दो के साथ अकोमोडेट करते ये लोग, बट उन्होंने सिंगल सिंगल किया. सिंगल तो बहुत पकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. दिस इज द वॉशरूम, मैं आपको टूर देती हूँ. मेन रूम है एंड दिस इज मी. हेलो, दिस इज द वॉशरूम, अ डिसेंट साइज वॉशरूम. देन कमिंग टू दिस रूम, सिंपल सा एकदम नॉर्मल बेसिक रूम है. और यहाँ से जो व्यू आता है, दैट्स द व्यू, ब्यूटिफुल. तो अब मैं फटाफट से शार लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ. ओके गाइज, सो आई जस्ट टुक अ शार बिकॉज मैं सुबह तो भक्ति दौड़ती आई थी. मतलब मैंने लिटरली फेस भी वॉश नहीं किया था, सिर्फ ब्रश किया था एंड पानी डाल करके मुंह पे ऐसे ही आ गई थी. एंड नाउ मैंने शार वगैरह ले लिया, तो अच्छा फ्रेश लग रहा है. नहीं तो पता है वैसे ही अगर मतलब वहाँ से अगर शार लेकर के भी आ जाते ना, तो भी यहाँ पर बिल्कुल कचरा हो जाता है. मतलब ट्रैवलिंग में मैं तो कचरा हो ही जाती हूँ, कोई हो चाहे नहीं हो, चाहे एक घंटे का ट्रैवल हो चाहे दो घंटे का, कचरा हो ही जाते हो. तो अब मैं फ्रेश आराम से रेडी होना स्टार्ट करती हूँ. मेरा मैंने भी खाना ऑर्डर किया बिकॉज मुझे क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही थी एंड फिर फालतू में हेडेक वेडेक होने लगेगा, एसिडिटी चढ़ जाएगी, तो इसलिए मैंने अपना ऑर्डर कर दिया है. और अब फटाफट से रेडी होना स्टार्ट करती हूँ. दिस इज़ माई लंच एंड डेफिनेटली इतना सब कुछ तो मैं बहुत ही मुश्किल है मेरा खाना, बट मैं खा के देखती हूँ. तो दिस इज़ वॉट आई एम वेयरिंग एंड डेफिनेटली हील्स आर लुकिंग वे बेटर, बट आई एम कन्फ्यूज बिटवीन शूज एंड हील्स. सो आई विल गोइंग टू वेयर आई थिंक शूज़ ओनली बिकॉज काफ़ी कम्फर्टेबल लग रहे हैं यार ये. एंड हील्स भी मैं पहन सकती हूँ, सो लेट्स सी. ओके गाइस, सो दिस इज़ हाउ माय मेकअप लुक्स लाइक. एंड आज के दिन जो मेरे बालों ने मुझे परेशान किया है कर्ल्स होने में, मतलब मैं लिटरली जब फोकट में वीडियो बनाती हूँ और कहीं मुझे जाना नहीं होता है, तो एकदम परफेक्ट, मतलब सट 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 कर्ल हो जाते हैं. एंड आज मुझे इतनी मेहनत लगी, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे बाल जल भी गए होंगे. जब मैं नेक्स्ट टाइम वॉश करूँगी तब मुझे एक्चुअली में समझ में आएगा कि जले हैं कि नहीं जले हैं. इस तरीके से मुझे दो तीन बार करना पड़ा है तब जाके मेरे बाल कर्ल हुए हैं. तो मुझे ऐसे लग रहा है कि टीनू की शादी के टाइम पर ऐसे पोपट ना कर दें. मैंने सोचा है कि एक दिन मैं खुद ही कर्ल करूँगी, तो मैं ना सोच रही हूँ एक हेयर स्टाइलिस्ट रख लेंगे भाई फालतू में, पता चले. उसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ ना, अपनी हील्स रख के लेके जाऊँगी अगर मुझे लगता है कि, वैसे हील्स नो डाउट बहुत अच्छी लग रही है इसके ऊपर, बट फिर भी देखते हैं क्या पहनती हूँ मैं. ओके गाइस, सो आई एम रेडी और अब मैं जा रही हूँ शालिनी के रूम में. तो तुम अभी भटक रही थी इतनी देर से, उनको याद है ना? किनको? आपको.
मैं नहीं होती तो मैं नहीं होती तो कॉल करती मैं नीचे। हे भगवान, मतलब ये मुझे कॉल करके पूछ रही है आप कहाँ हो, मेरा रूम नंबर क्या है, मुझे लगा मेरा पूछ रही है अपना पूछ रही है। तो हम लोगों की कैब आ गई है और अब हम लोग निकलते हैं, वेन्यू कहीं और है, हम लोग यहाँ पर जस्ट ऐसे ही रेडी वेडी और टाइम पास के लिए हम 15 मिनट लेट हैं। मुझे लगता है हम फिर भी अर्ली पहुँचेंगे, हम सबसे ज़्यादा अर्ली है, हम 15 मिनट लेट हो गए भी अर्ली है बिकॉज हम आए भी बहुत जल्दी थे यार। तो लेट्स गो। कितनी सेक्सी लग रहे हैं, ये कौन बताएगा हम कितने सेक्सी लग रहे हैं। बहुत सारा, बहुत ही ज़्यादा। चलो पूरा मामाअर्थ लिखा, मामाअर्थ। ओके गाइस, तो हिलते ढुलते थकते थकाते भटकते भटकाते हम लोग आ गए हैं। आधा मेकअप, मतलब इतने दचकों में से आए ना हम, इतने ज्यादा दचके, और वो था कि मेरी ना लिपस्टिक हिल गई है थोड़ी सी, मतलब इस लेवल का है। मिल रहे हैं हाँ, अभी तक की पूरी जर्नी में ना, पहले हमने डीएम्स में चैट करी, हाँ डीएम्स में चैट करी, प्लान करा था कि भोपाल में मिलेंगे जब मैं पापा के घर जाऊंगी। शी इज आल्सो फ्रॉम भोपाल यार, मतलब जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ। तो हम लोग यही सोच रहे थे कि जब भोपाल में ही मिल पाएंगे, बट फाइनली आज पहली मिल गए आप, अब भोपाल जाके गुलाब करेंगे। हाँ, डन डन डन। हाय साइमा, सबके पास G7, सबके पास G7, सब G7 वाले, आज तुम मिलने वाली हो। बैक इन माई रूम नाउ, और बाप रे बाप, मैंने सबसे पहले तो अपने शूज चेंज करे हैं बिकॉज मुझे शू बाइट भी हो गया, और ओ माई गॉड, मतलब वर्स्ट डिसीजन था मेरा हील्स पहन के जाने का। और आ गए हम लोग यहाँ पर, प्रोग्राम ख़त्म हो गया है। एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अगर ऑनेस्टली बताऊँ, मज़ा आया मुझे कुछ लोगों के साथ मिल करके, बट एक्चुअली मेरा जो इवेंट था ना वो बहुत हैपनिंग नहीं था। हैपनिंग इन द सेंस मीन्स गेम्स होता है, एंटरटेनिंग होते हैं, ये ऐसा था कि बस आप आ लो, आ जाओ और वहाँ पर बस घूमते रहो, तो वही सब चीज़ें थी। तो हाँ, इंटरेक्शन आपको करना है बस अलग अलग क्रिएटर्स के साथ, बाकी वो बना दिया था उन लोगों ने, वैसा था, सिंपल सा ही था। तो यस, अब मैं पहले तो सबसे पहले चेंज करती हूँ और अपना ये जो मेकअप इतना सारा लगा हुआ है वो वॉश करती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइज, आई चेंज एंड आई एम इन माई कम्फीएस्ट क्लोथ्स नाउ। मतलब मुझे ऐसा लगता है इन्हीं क्लोथ्स को फॉर्मल बना देना चाहिए यार, ये दुनिया में क्लोथ्स होने चाहिए, शादियों में भी यही पहन के जाओ और सब जगह यही पहन के जाओ। बट येस, आई रियली लव दिस काउच यार, ये इतना ज़्यादा कम्फर्टेबल है, मज़ा ही आ गया इस पर। मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ मंगवाया जाए। गॉट दिस काइंड ऑफ बॉक्स फ्रॉम मामाअर्थ एंड इसमें कुछ गुडीज़ वगैरह मिले हैं हम लोगों को इस तरीके के, लाइक दिस काजल एंड अगेन लिप बाम्स, और यहाँ पर मिरर है, सी दिस। सो आई जस्ट ऑर्डर्ड चाट एंड ऑल, टिक्की विक्की मैंने ऑर्डर करी है, एंड मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने पे किए हैं 875 और 90 रुपीज़, और क्या आया है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी। तो ये तीन पानी पूरी हमारे प्रसाद के तौर पे, ये तीन पता नहीं कौन सी टिक्की एंड ये पांच पापड़ी टिक्की, मतलब ये प्रसाद आया है। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया, मतलब ये तो मुंह में चख के खत्म हो जाएगा, ये इस तरीके का आया है, मुझे कुछ और ऑर्डर करना पड़ेगा। सो मैं ये खाती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, एंड तो अभी बज रहा है सुबह के 5:30, ड्राइवर का कॉल आ गया है, वो आ गया है नीचे, तो फटाफट से रेडी होती है, मैंने शालिनी को भी कॉल किया कि भाई उठ जा, सो रही होगी तो। एंड ये क्या हुआ है यार, तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ इसलिए अब मैं मोबाइल से ब्लॉगिंग करूँगी और अब भागते हैं। वॉच रख ली, कैमरा वैमरा रख लिया, यहाँ कुछ है नहीं। ओके लेट्स गो।
इट सीम्स लाइक कि हम लोग लेट हो गए, भागो अब. लिटरली मुझे ऐसा लगा था कि हम लोगों की फ्लाइट में सो जाएगी, बिकॉज जिस लेवल का सिक्योरिटी चेक इन में रश है, ओ माय गॉड. कितना टाइम लगा? कम से कम 30 मिनट्स हम लोगों को लगे सिक्योरिटी चेक इन में. आधों की तो हमने लड़ाई देख ली दो तीन लोगों की, हो गया है अब हम अंदर जा रहे हैं बोर्ड करके. तो अब फाइनली भोपाल पहुंच गए हम लोग एंड घर पहुंच के वापस से मिलती हूँ. हे गाइस, आई एम बैक टू द पवेलियन. मैंने आते से शॉल वगैरह सब कुछ ले लिया है एंड मैं विक्की को भी पूरा स्टोरी मतलब विजुलाइज करा रही थी. मैं तो पूरी एक्टिंग करके बताती हूँ कि कौन मुझे कैसा लगा, क्या कैसा लगा. मोस्टली लोग बहुत अच्छे थे जिनके साथ मैं वाइब कर पा रही थी, वाइब मैच हो रही थी. मैंने तो मतलब आई गेस दो या तीन लोगों को छोड़ करके मैंने सबके पास जा करके हाय आई एम रुचि ये सबके साथ किया है. और मैं खाना वाना खाती हूँ उसके बाद फिर आप लोगों से मिलूंगी. तो मैं सोने के बाद फिर आप लोगों से मिलूंगी. A few moments later. Hey guys, so I just had a very good sleep. और मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ और मैं आपको अपने लिविंग रूम का हाल बताती हूँ कि कैसा हो रखा है. ये देखिए, ये अभी अमेजन से ना कुछ पार्सल रिसीव हुआ है, वो मेरा बैग रखा हुआ है सैनिटाइज करके. उसके बाद ये सामान सब सी दिस बिकॉज मेरे पास सामान आया हुआ था, आई थिंक कल आ गया था. तो वो सब मैं अभी देख चेक करती हूँ ना कि सही आया है या नहीं आया है, तो वही सब मैं देख रही थी. तो मैं आपको आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगवाया है. एक्चुअली मैंने कुछ ज्वेलरी मंगवाई है, मुझे ना ऐसे टेंपल ज्वेलरी टाइप की कुछ चाहिए था इंडियन अटायर पे पहनने के लिए. तो मैंने वो ट्राई करा है. मैंने ऑनलाइन कभी भी आर्टिफिशियल ज्वेलरीज नहीं मंगवाई है एंड मैं बहुत कम आर्टिफिशियल ज्वेलरीज पहनती भी हूँ. मतलब मैं जनरली ज्वेलरी बहुत कम पहनती हूँ. मुझे जो पसंद आते हैं वो मैं पहनी रहती हूँ, नेक पीस और डेंटी मुझे ज़्यादा पसंद. थोड़ी हैवी जो लुक में होती है ना वो मैंने मंगवाई है टेंपल ज्वेलरी वगैरह टाइप की, जस्ट टू चेक द क्वालिटी एंड एवरीथिंग. तो एक मुझे ठीक लगी है, एक मुझे मैं आपको वही आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ. एक आज अभी क्या हुआ है, मेरी जो विंटर वेयर है, जैसे कि विंटर वेयर का भी इतना बहुत काम नहीं आता था टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो मेरे पास विंटर वेयर ये वाला, जैसे दिस इज द जैकेट विच आई हैड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये 10 साल पुरानी जैकेट है, लगती भी बहुत स्मार्ट है इनफैक्ट जब मैं पहनती हूँ तो. बट हाँ, थोड़ी सी टाइट है, मतलब थोड़ा फिटेड है, बहुत ज़्यादा टाइट लगती है मुझे. तो मैंने इसको ऑलरेडी बहुत पहन लिया है, मैं किसी को दे दूंगी जो इसको अच्छे से और पहन लेगा, बिकॉज अभी भी इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई है. अभी जो मैंने बेसिक चीज़ें मंगवाई है वो मैं आप लोगों के साथ में फटाक से शेयर करती हूँ. ओके, सो लेट मी शो यू द फर्स्ट ज्वेलरी जो मैंने मंगवाई है. दिस इज द नेक पीस, ये देखिए, ये इसका नेक पीस है बड़ा ही सुंदर, बट मुझे ना बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है. मतलब इसमें, इस वाले में स्पेशली मैं आपको दिखाती हूँ, इट्स वेरी बिग एज वेल. सी, सो दिस इज द नेक पीस, इसके इयररिंग्स है. तो एक तो ये है और मुझे जो ज़्यादा पसंद आई है ना वो मैं आपको बताती हूँ. नेक्स्ट इज दिस, आई लाइक दिस वन, दिस इज रियली नाइस एंड ये काफ़ी लाइट वेट भी है. दिख रही है आपको ये, एंड ये साथ में इसके इयररिंग्स हैं. इवन इयररिंग्स आर ऑल्सो लुकिंग वेरी नाइस आई थिंक. पास से देखिए, इसकी फिनिशिंग वगैरह सब कुछ काफ़ी अच्छी लग रही है. दिस इज द ब्लेजर, मैं आपको इसको पहन के दिखाती हूँ. ये देखिए, इसका जो फिट है ना एकदम ऐसे स्ट्रेट वाला नहीं है, थोड़ा सा फ्लोई डिज़ाइन में है. तो मैं वही थोड़ी स्केप्टिकल हो रही हूँ कि मैं इसको रखूँ कि नहीं रखूँ. तो अभी मैं प्रॉपर इसको जीन्स में, ब्लैक जीन्स में और जैसा मुझे पहनना है स्पेगेटी टॉप में, उसमें पहन के देखूँगी इफ़ आई लाइक, मतलब मुझे अगर इसका फिट अच्छा लगा. बिकॉज ब्लेजर कैसे होते हैं थोड़े स्टिफ एंड वैसे फिट में ज़्यादा बेटर लगते हैं. दिस इज लिटिल, यू नो, दिस इज द फिट ऑफ दिस ब्लेजर. फिट ऑफ दिस ब्लेजर इज क्वाइट ढीला सा, सो आई डोंट नो इफ आई विल कीप इट और नॉट. फर्स्ट आई हैव टू सी इफ इट इज good on me or not. देखती हूँ कि इसको रखूंगी कि नहीं रखूंगी. बट इफ़ यू वॉन्ट टू बाई इट, इट्स वेरी गुड और प्राइस में भी काफ़ी अच्छा था. मतलब डिस्काउंट चल रहा था तब मैंने इसको लिया था. वैसे इसका जो एक्चुअल प्राइस है ना, दैट इज 4299. आई थिंक आई गॉट इट इन 1600 या 1700 में मैंने लिया है. तो इट्स अ गुड डील. उसके बाद मैंने एक टॉप मंगवाया था येलो कलर का. दिस इज द टॉप जो मैंने मंगवाया था. काफ़ी लूज सा एंड ऐसे फ्लोई पैटर्न का टॉप है ये, मस्टर्ड येलो कलर का है. अच्छा लग रहा था मुझे ये वाला टॉप, मैंने पहन करके देखा था. मतलब फिटेड जीन्स पे आप इसको पहन सकते हो शूज वूज के साथ. सो आई लाइक्ड दिस टॉप एज वेल. सो ये है मेरा नेक्स्ट मतलब प्रोडक्ट. आई गॉट दिस,
घर में पहनने के लिए, ना तो बहुत थिक है और बहुत वैसी है, बहुत तगड़ी वाली ठंड तो देखो ये नहीं रोकने वाली है, बट नॉर्मल पहनने के लिए, जैसे अभी जो ना ठंडक हो गई है सुबह शाम की और इवन दिन में भी ठंड लगने लगी है अब मुझे, तो इसमें पहनने के लिए मैंने ऐसे नॉर्मल सी मंगवाया हुआ है। बट मैं ये सोच रही हूँ एक साइज इसको अब मंगवाऊंगी, बिकॉज दिस इज स्मॉल साइज और ये काफ़ी फिट है मुझे, आई रियली लाइक इट, क्वालिटी बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल है बहुत ज़्यादा, एंड यस, सो दिस इज़ माय नेक्स्ट प्रोडक्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मंगवाए हैं वो मैंने विक्की के लिए मंगवाया है। विक्की के लिए एक मैंने ये US पोलो का लोअर मंगवाया है, जिसकी फिटिंग बहुत अच्छी आई है, अभी जस्ट उसने पहन करके भी देखा, एंड द क्वालिटी एंड द फिटिंग एंड एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी गुड। ये प्रॉपर एकदम प्रॉपर कॉटन जो होता है ना, ये उसका लोअर है, एंड यहाँ पर भी जो साइड्स हैं वहाँ पर जिप दिया हुआ है। मैं इसमें इसकी पिक्चर डाल दूंगी कि एक्चुअली में कैसे दिख रहा था। उसके बाद जो नेक्स्ट लोअर मंगवाया है इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। कौन से ब्रांड का है मैं आपको बताती हूँ, ये कुछ कन्वर्स टाइप का ब्रांड है, एंड बहुत अच्छी फिटिंग एंड बहुत अच्छा लग रहा था। अगेन ये वाला भी, इसका फैब्रिक क्वालिटी सब कुछ बहुत अमेजिंग है। अगेन यहाँ पर ऐसे जिप दिया हुआ है, सो दैट यू नो दो पॉकेट दिए हुए हैं, दो पॉकेट दिए हुए हैं, एक जिप वाला पॉकेट है एंड एक विदाउट जिप वाला पॉकेट है। पॉकेट्स काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं एंड क्वालिटी इसकी अमेजिंग है, फैब्रिक इसका बहुत अच्छा है। तो ये वो बाहर पहनने के लिए यूज़ करेगा, बिकॉज वो बाहर भी लोअर पहन के घूमता है, एंड ये उसने बोला है कि वो घर में पहनने के लिए यूज़ करेगा। सो दीज टू आर द बॉटम्स एंड That's it, इतना ही सामान मंगवाया है। बाकी जो मेरे और जैकेट्स आ जाएंगे, मैं दो और जैकेट्स मंगवाए हैं अपने, थोड़े मोटे वाले, हैवी वाले, बिकॉज मुझे ज़ारा वाले वो डेफिनेटली आई एम नॉट गोना वेयर इट, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है मुझे, वो मैं अपनी मम्मी को दे दूंगी, अभी जब आ जाएंगे तब बताती हूँ। अभी के लिए दैट्स इट, आई एम फिनिशिंग दिस व्लॉग हियर, आई थिंक ये काफ़ी लंबा व्लॉग हो गया होगा। तो यस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल, सारे प्रोडक्ट्स की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, यू कैन चेक दैट आउट। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।